अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ में 5 हाइजीन टिप्स शेयर करूंगी एंड दीज टिप्स विल चेंज योर लाइफ। सो यह जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सभी गर्ल्स को फॉलो करनी चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हाइजीन टिप्स के बारे में बात करते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो बात करते हैं नंबर 1 हाइजीन टिप के बारे में। एंड आई एम श्योर यार कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो किसी से बात कर रहा हो एंड उसके मुँह से बहुत बुरी सी स्मेल आए। एंड यार ना हम ऐसा अपने लिए चाहेंगे कि कोई हमारे बारे में ऐसा सोचे। सो हमें अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दिन में 2 दफ़ा ब्रश हमें ज़रूर करना चाहिए, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है यार, बहुत बहुत ज़्यादा। अपनी माउथ की अच्छी तरह क्लीनिंग करना, अपने टीथ को क्लीन करना, अपने टंग को क्लीन करना ताकि हमारे पास से अच्छी सी स्मेल आए एंड कोई भी हमसे बात करते वक्त इरीटेट ना हो। सो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो या ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी एंड इस हाइजीन टिप का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ओके, सो बात करते हैं सेकंड। ओके, सो यार हम जितने भी एक्सपेंसिव ड्रेस वेयर कर लें बट जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक यार वो क्लीन नहीं होंगे। सो ज़रूरी है कि आप वीकली अपने कपड़ों को ज़रूर वॉश किया करो। अगर आप अबाया वेयर करते हो सो आप वीकली अपने अबाया को ज़रूर वॉश किया करो, अपने हिजाब को वॉश किया करो एंड देन अपने कपड़ों को वॉश किया करो एंड क्लीन कपड़े वेयर किया करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप है, इसके बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वरना यार बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं। सो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। एंड यार जब हम क्लीन कपड़े वेयर करते हैं ना, सो यार हमें ख़ुद को बहुत अच्छा फील होता है, एक ख़ुद बहुत अच्छी सी वाइब आती है, एक ख़ुद एक पॉजिटिव वाइब आती है हमें। सो ज़रूरी है कि आप क्लीन कपड़े वेयर करो जिसमें से अच्छी सी स्मेल आए एंड वो क्लीन भी हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप है, इसको ज़रूर फॉलो किया करो। एंड बिलीव मी गर्ल्स, दिस हाइजीन टिप विल चेंज योर लाइफ, बिलीव मी यार। सो बात करते हैं थर्ड टिप के बारे में और वो है जी ब्यूटी टूल्स। एंड गर्ल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जिसको हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। सो आप अपने ब्यूटी टूल्स को बहुत ज़्यादा क्लीन रखा करो, जैसे आपके मेकअप ब्रशेस हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, फेशियल रेजर हो गया, इन सब का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो, उनको क्लीन रखा करो। ज़्यादा पुराने मेकअप ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर को नहीं यूज़ किया करो, 1 से 2 महीने यूज़ करो देन फिर आप चेंज कर लो। एंड उसी तरह आपको फेशियल रेजर का भी ख्याल रखना चाहिए, उसको जितना हो सके क्लीन रखो एंड 1 से 2 महीने यूज़ करो देन फिर आप चेंज कर लो, दूसरा बाय कर लो। सो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ज़्यादा। एंड सीरियसली आपने इस टिप को फॉलो कर लिया आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में। यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप है ये। ओके, सो बात करते हैं 4th टिप के बारे में। सो यार अगर आपको भी ब्लैक हेड्स हो रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हो, सो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त मास्क बताती हूँ जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे उसके बहुत ही लेवल के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो वो मास्क है जी रिवाज यूके का ब्लैक हेड्स पील ऑफ मास्क एंड बहुत ज़बरदस्त मास्क है, बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स हो रहे हैं वहाँ आप उसको अप्लाई करो, थिक लेयर में अप्लाई करना, जैसे ही ड्राई हो जाए सो आप उसको पील ऑफ कर लेना। सो यार ब्लैक हेड्स पर बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर रहा है ये मास्क एंड पर्सनली मुझे ब्लैक हेड्स हो गए थे एंड बट अब वो फाइनली रिमूव हो चुके हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, सो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि अगर आपको भी ब्लैक हेड्स हो रहे हैं सो आप इस मास्क को यूज़ करो एंड अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर लो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइजीन टिप है क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। सो बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में। ओके, सो 5th हाइजीन टिप है जी लिप मास्क। जैसे कि आपको पता है यार विंटर डेज तकरीबन आ चुके हैं, सो अभी सही से तो नहीं आए बट लिप्स अभी से ड्राई होना शुरू हो गए। सो बहुत ही ज़बरदस्त 10 मास्क मैं आपको बताती हूँ, बिलीव मी गाइस, आपने एक दफ़ा इसको यूज़ कर लिया ना गाइस, यू विल लव इट, रियली में यार यू विल लव इट। और ये लिप मास्क यूज़ करने के बाद विंटर्स में जो हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं देन फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। सो मास्क को बनाने स्टार्ट करते हैं। मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन, 2 टीस्पून आप ग्लिसरीन ऐड करेंगे, देन सेकेंड आप ऐड करेंगे आलमंड ऑयल 1 टीस्पून एंड देन थर्ड आप ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। ये 3 चीज़ें आपको ऐड करनी है एंड देन फिर इन 3 इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन अपने लिप्स पे अप्लाई करेंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स आप अप्लाई करेंगे अपने लिप्स पे, देन आप अपने लिप्स को वॉश कर लेंगे। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी यार, आप एक दफ़ा इसको इस मास्क को ना बस आप यूज़
यूज़ करके देखो, रियली में आपने एक दफ़ा इसको यूज़ कर लिया ना, आप बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाओगे सर्दियों में बहुत ज़्यादा। एंड विंटर्स में जो लिप्स ड्राई होते हैं, देन पे ब्लीडिंग होती है, कुछ भी नहीं होगा ये मास्क यूज़ करने के बाद। एंड आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा पिंक भी रहेंगे। सो या ओके माई ब्यूटिफुल सिस्टर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, 5 इंपॉर्टेंट एंड बेसिक हाइजीन टिप्स डेट विल चेंज योर लाइफ। सो या ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यार बाय द वे, सारी ही टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको ज़रूर फॉलो करना। एंड बिलीव मी, आप इन टिप्स को फॉलो करोगे सो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सुकून की हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी यार आपकी लाइफ। सो या ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय।